एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, शिव के प्रति भरोसा प्रकट करिए। पितृ पक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो, उसमें देवता और पितर दोनों का वर रहता है, दोनों का वर। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है, पितरों की तीन बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। पितरों की तीन बेटी। अब पितरों की तीन बेटियों के तीन देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृ पक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन तीन देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है? जरा विचार तो करो कि हमारे यहां गौरी शंकर गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, कैसे पार उतर सकता है? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, पितृपक्ष में बन सके तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृ दोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के ऊपर, और जल कहां चढ़ाना है पहले? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह, और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गौरी शंकर, शिव का नाम, जल समर्पित करो। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता है। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति, मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटिया जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, क्या आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए उनको ये कथा सुनने को मिल रही है, और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध पक्ष में।
और आज हमारी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी आज आनंद का विषय जानता है कि ये भोजन भंडारा थोड़ा बहुत भंडारे का क्रम जो चलवा रहे हैं 5 दिन तक उसका एक आनंद है। और आप सब जितना आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हो आपको धन्यवाद है जो आपका सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिल रहा है। सबको साधुवाद। आपका एक अंश मात्र एक अन्न का दाना भी अगर कहीं मिल रहा है तो उसका फल आपको प्राप्त हो। और किस क्षेत्र के लिए दे रहे हो, कहां दे रहे हो, जरा विचार करिए। एक विश्वास के साथ करो, भजन भजन के साथ आना, भरोसे के साथ करिए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह। और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। कोई कितना भी कह दे, अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है इसमें, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी शिवालय मंदिर समय किससे पूछा जाए, फिर निवेदन करूंगा। कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है, उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहां हो सकता है, हमारे को हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर जी, शंकर भगवान शमशान के निवासी हैं। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है, पंडित जी से पूछो। अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है, वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा। शिव जी से किसी ने पूछा, प्रभु मेरे को एक बात बताओ कि आप बुलाते हो तो हम आते हैं तो हम बुलाएं। ये बेटी ने पत्र में लिखा है, देखो ए महाराज जी, मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं बालोदा जिले की रहने वाली हूं, आपसे प्रश्न करने के लिए आई हूं। धन्यवाद बेटी को, साधुता है बेटी को, मेरा बहुत बहुत साधुता। ए महाराज जी, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते, डरते नहीं? भगवान को डर नहीं लगता, डर अपनों को लगता है। एक आध दिन अगर शंकर सामने आके खड़े हो गए ना, शंकर कुछ नहीं करेंगे, उसके गले में जो है ना बासुकी, चलो शंकर को भी जाने दो, वो बासुकी को भी जाने दो, उसी का कोई रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो मेरी बेटी अंजलि, बेटा तू घर के बाहर और रिश्तेदार घर के अंदर होगा। इसीलिए शिव नहीं आते, भगवान नहीं डरता, भगवान आने को तैयार बैठा है। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता?
छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता मेरी बेटा? अंजलि बेटी, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न के लिए, आपको धन्यवाद, साधुता है आपको। परमात्मा नहीं डरता, परमात्मा तो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए बैठा है, बस वो जानता है कि मैं पहुंच गया ना तो तू घबरा जाएगा, मैं पहुंच गया ना तो डर जाएगा। और डरते, एक बार भागवत कथा को देखिए, आप लोग सुने हो भागवत जी? सुने हो? बोलो तो सरी, भागवत सुनिए, भागवत सुनिए तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करवाया था, गोवर्धन नाथ जी का पूजन, जब सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हमारा इंद्र देवता तो खाने आता था, ये तो पर्वत है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है, इसमें से तो भगवान खाने आ ही नहीं रहे, हमने इतना सारा भोजन बनाया कोई आ ही नहीं रहा। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? कोई आ ही नहीं रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा, क्या चाहते हो कि भगवान और खा के जाए? हाँ, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रकट हो गए, गिरिराज बाबा प्रकट हुए, हजारों हाथ करे और सारा खाना चालू कर दिया, जितना लाए थे ब्रजवासी सब खा गए। अब जितने लोग बैठे थे सब सिर पे पल्लू लेके बात कर रहे, हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ के भी जाता था, ये तो पूरे ही खा गया। भगवान नहीं खाए तो दिक्कत, और भगवान खा जाए तो दिक्कत। अब सब बात कर रहे हैं, अरे इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ते थे, ये तो पूरा के पूरे खा गया, ये तो पूरा के पूरा खा गया। तब भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, गोवर्धन बाबा थोड़ा सा इन ब्रजवासियों के लिए प्रसाद छोड़ दो। तब भगवान गोवर्धन नाथ जी ने प्रसाद छोड़ा और कह दिया, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए आज के बाद मैं किसी के सामने खाने नहीं आऊंगा, केवल भाव से खा कर जाऊंगा, केवल भाव से। अब किसी ने पूछा, भगवान गुरु जी कि भगवान भाव से खाते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो मेरी जीजी और जित्ती बैठी हैं, आज शाम को जाके प्रैक्टिकल करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजेरी से को, पंजेरी जानते हो, आटा सेक के शक्कर मिला के और पंचामृत बनाओ, दही दूध सब मिला के पंचामृत, एक कटोरी पंजेरी और एक कटोरी पंचामृत अलग रख दो फ्रिज के ऊपर, और एक कटोरी पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख दो, पूरी कथा सुनना, आरती करना, पूजन करना और पंजेरी खाकर देखना, फिर फ्रिज के ऊपर जो रख के आई थी उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद अंतर आएगा, जो पत्न भगवान के सामने रखी उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जाने दो, नवरात्रे आ रहे हैं, 16 दिन जाएंगे श्राद्ध के, नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रे में जगह जगह देवी का भंडारा होता है, तुम्हारे यहाँ धमतरी में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, होता है देवी जी का भंडारा होता है, तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में काशी फल की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में पूड़ी बनाओ, तुम्हारे घर में हलवा बनाओ, तुम्हारे घर में खीर बनाओ, और एक बार भंडारे में जाकर कद्दू की सब्जी और मोटी मोटी पूड़ी खाकर आओ, जो घर में स्वाद नहीं आएगा वो भंडारे में आएगा। घर में जाके खिचड़ी बनाओ, घर में जाकर दाल चावल सब्जी चावल बनाओ, और एक बार कुबेरेश्वर महादेव का जो भंडारा चलता है उस भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी मुंह में खाकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कर्मा बाई ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मेरे सांवरिया को खिलाया होगा। भाव का भगवान भूखा है, भगवान तुम्हारे धन दौलत से, अगर भगवान ये खाने आता रहता तो तुम में से एक भी लड्डू का भोग ही नहीं लगाता। गणेश जी अगर खाने आते तो लड्डू का भोग मोदक का भोग सब भूल जाते, शंकर जी खाने आते तो कोई शंकर जी को भोग नहीं लगाता। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है आपका, स्नेह ही है तो आपका। महाराज इसलिए शिव तत्व बार बार कहता है, आपकी भक्ति को प्रबल करिए, आपकी भक्ति को प्रबल करें। एक पत्र में अंजलि बेटी ने एक प्रश्न और लिखा है, हे गुरु जी, अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है,
हे गुरु जी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक कहा बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा, हाथ हिलाओ जरा, कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा वो, ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं? मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पांच कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर गए होंगे पहले, ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही, बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है। जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले बेटा, खुश संभू संभू। हे गुरुजी, हाँ बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। हाँ अंजलि साहू ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है। जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है, शुद्धता का भाव है। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते हो। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना, शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की, ऐसा डाकू ऐसा जंगल में रहने वाला ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था, उसने भगवान को नहीं जानता था, एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था, कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था, कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया था, कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया था, उसको नहीं मालूम था। शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर,
तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ, शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई, चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा, कड़पाया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है, आंख गई। कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, शंकर सामने, शिव की प्रागट्यता। जल अशुद्ध नहीं है, जल शुद्ध है, और जल से ज्यादा शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जल अपनी जगह पर है, मन से चढ़ाइए, मन से, हमसे नहीं बन सकते, उसको मन से रिझाओ, मन से उसके पास में उसको डाल दूंगा। दिल से सुने सब, साथ में बाबा से प्रार्थना करें, भाव से आनंद के साथ सब बोलेंगे साथ में, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कहता है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। जब विश्वास और भरोसा हमारे भीतर जागृत हो जाता है तब शिव तत्व हमें प्राप्त हो जाता है, तब शंकर हमें प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध पितृपक्ष ये सब बेकार नहीं, शुभ है, ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए, दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। एक जैसे अपने कपड़ों को रोज झटक कर पहना जाता है, अपने कपड़ों में से धूल, अपने कपड़ों में से धूल जड़ा कर झटक कर जैसे पहना जाता है, उसी तरह
अपने मन को भी थोड़ा अहंकार को झटक दो, अभिमान को झटक दो, काम आसक्ति लोभ तृष्णा इसको झटक दिया जाए। जितना अभिमान भीतर बंधा रहेगा तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा। अहंकार को जब हम दूर हटा देंगे, भ्रांतियों से हम दूर हो जाएंगे तो शिव मिल जाएगा। आधे से ज्यादा मनुष्य तो ब्रह्म में जीता, मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। ये तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता, अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोलेनाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास हैं, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध श्राद्ध श्रद्धा, शंकर के मंदिर में शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिवपुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के। सुनिए, पुरानी शिवपुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिवपुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ, शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया, घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुर सुरा और स्त्री, सुर सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को, तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका,
आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, तो बर्बादी का क्रम है आपका, बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा कांटापुर डी के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता, तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो, तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सुगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करो। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तो वहां पीके पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पीके पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पीके पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पीके पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है, छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया। हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने भांग का नशा करा, जो कहते हैं शंकर भगवान ने इसका नशा करा, हम उनका हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक पुराण, एक वेद, एक शास्त्र कुछ लाकर बता दो जिसमें लिखा है कि शंकर भगवान भांग का नशा करते थे। शंकर भगवान किसी नशे में नहीं थे। शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी। शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान तो केवल राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे। उन्हें दूसरा नशा सुहाता नहीं था। नशे से मुक्त होइए। क्यों गुरुजी? ये फिर अंजलि। ए गुरुजी, कौन कौन से देवी देवता शीघ्र राजी हो जाते हैं? ए गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को दिल से जल चढ़ाओ, तीन ताली बजाओ, हर हर महादेव बोलो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न मत चढ़ाओ जल भी, शिव के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल जाओ। सामने से भी नहीं निकल सकते तो दो मिनट कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो,
तो उस शिव पुराण का स्मरण कर लो तो भी शिव कृपा बरसा देते हैं, शिव कृपा कर देते हैं। एक पत्र है। मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई, पति हंसदास हैं। मैं ग्राम बलियारा गलियारा बलियारा, तुम समझ गए ना, बस हो गया काम। मैं ग्राम बलियारा पोस्ट